अशोकनगर में किसानों द्वारा किए गए भारत बंद का असर मिला जुला रहा, जहां जिले की कुछ तहसीलों में व्यापारियों ने किसानों के समर्थन में दुकानें बंद रखी, वहीं कुछ तहसीलों में बाजार खुले रहे। किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध के चलते आज 8 दिसंबर को अशोकनगर में भी किसानों ने रैली निकालकर बंद का आह्वान किया, जिले में जिसका मिला जुला असर रहा। बहादुरपुर तहसील का मुख्य बाजार बहादुरपुर सुबह से ही बंद रहा, जबकि मुंगावली तहसील और चंदेरी तहसील में मार्केट खुले रहे। इस आंदोलन को करते हुए स्थानीय किसानों ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द उनकी समस्याओं को समझकर उनकी मांगों को पूरा करे। आज बहादुरपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में संपूर्ण बंद करवाया गया है, हाथ जोड़ के बंद करवाया गया है। कोई भी इसमें किसी को कोई बदतमीजी या कोई ऐसी घटना नहीं हुई, और लोग भी व्यापारी वर्ग भी किसानों से जुड़ा हुआ है, समझदार है, उनने संपूर्ण खुद पे खुद ही कर दिया है बहादुरपुर में। और लोग बहुत परेशान है, किसानों की मांगें जल्दी सरकार सुने, जिससे कि किसान अपने घरों में जाएँ, खेती फसल देखें, व्यापारी वर्ग भी अपना व्यापार चलाए। किसान सब किसान हम इकट्ठे होके पूरे देश के किसान मोदी जी से बीजेपी से हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि किसानों की मांग जल्दी से जल्दी स्वीकार की जाए। और उन खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।